चलिए भाई, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और क्लास हमारी लाइव स्टार्ट हो गई है। सारे लोग जल्दी से आ जाएंगे भाई, फटाफट से सभी जुड़ेंगे जल्दी से करंट अफेयर्स की क्लास में। क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो गई है, जल्दी आएँ सारे लोग। एक सेकेंड, यस एक बार बताएं मेरी वॉइस आप लोगों को ठीक आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ़ यू? गुड इवनिंग आयना एंड मनीष, दोनों को गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए भाई सारे लोग करंट अफेयर की क्लास में। क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, हम डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग निधि, गुड इवनिंग। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड उससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली अभी ये सारे ही न्यूज़ आपके घटनाओं में रहे हैं, रिसेंटली अभी चर्चाओं में रहे होंगे ये सारे न्यूज़, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। जल्दी आइए सारे लोग, आप लोग फटाफट से आ जाएं सभी करंट अफेयर क्वेश्चनों में। मनीष मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आयना एंड मनीष, दोनों को गुड इवनिंग। और निधि गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी जुड़े भाई सारे लोग, फटाफट से आइए। सृष्टि गुड इवनिंग, ज्योति मनी सभी को गुड इवनिंग, ज्योति गुड इवनिंग, सृष्टि गुड इवनिंग। बाकी के लोग जल्दी से जुड़िए भाई, हम डिस्कस करेंगे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन। आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? वॉइस ठीक है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ़ यू? जल्दी बताइए वॉइस मेरी ठीक है? किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है वीडियो में? वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं, ठीक हैं या फिर नहीं, एक बार बताएं ज़रा चैट बॉक्स में सभी। जल्दी से बताइए, हम फिर स्टार्ट करेंगे अपना करंट अफेयर शो और जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस हम देखेंगे। वॉइस एकदम ठीक आ रही है या फिर नहीं आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है, एम आई ऑडिबल और आपकी वॉइस भी क्लियर है। चलिए, तो दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी माई सेल्फ सीमा अग्रवाल एंड आई एम फैकल्टी एट सिविल एकेडमी। और बेसिकली जो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर लेती हूँ इट इज़ ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर शो हमारा वीक में दो दिन होता है। ट्राई करते हैं कि वीक में दो दिन लगभग हो आपका। और इसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके बाद उसका कुछ एक्सप्लेनेशन। जिन्होंने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है सिविल एकेडमी आईएएस के नाम से, इसको प्लीज़ ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज काफ़ी बेनिफिशियल है ये आपके लिए अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखते हैं तो। ठीक, चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर वन पर। और सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा सवाल है आपका जिसको आपको आंसर करना है। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ डेवलप द नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स? यानी इन चारों मिनिस्ट्रीज़ में से किसने अभी हाल ही में नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया है? यानी क्लाइमेट के लिए वल्नरेबल कोई एरिया पर्टिकुलर रहा होगा, कितनी उसकी वल्नरेबिलिटी है, इन सबको लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, ये आपको बताना है जल्दी से चैट बॉक्स में। बताइए फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन नंबर वन का सही आंसर। बहुत ही सिंपल और फैक्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। किस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की गई है हाल ही में नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स? और आयना कह रही है बी। बाकी लोग जल्दी से भाई ज्वाइन करिए, जोड़िए फटाफट से, शेयर कर लें आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को थोड़ा सा, जिससे कि वो लोग भी आ जाएँ। बहुत कम स्ट्रेंथ है आप लोगों की, काफ़ी लोग हैं जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। आई थिंक टाइम आप लोगों को क्या सूट नहीं करता है या फिर क्या रीज़न है जो आप लोग ऑनलाइन नहीं आ पाते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न, क्या कारण है कि आप लोग ऑनलाइन नहीं आ पाते हैं? 5 बजे का टाइम इज़ यू नो आप लोगों के लिए एकदम ठीक होता है, बट स्टिल आप लोग ऑनलाइन नहीं होते हैं। चलिए, तो आयना कह रही हैं बी। बाकी और कोई जो इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहेगा? सृष्टि, ज्योति, निधि, मनीष, आंसर करें भाई फटाफट से, बाकी के जो लोग जुड़े हुए हैं। ज्योति भी कह रही हैं बी। यस, बी इज़ द एब्सोल्युटली राइट आंसर। इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा जारी किया गया है आपका नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स इसे जारी किया गया है बी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इस इंडेक्स से हमें बेसिकली क्या पता चलता है? तो नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है ये इंडियन गवर्नमेंट यूज़ करती है और ये एस्टिमेट करती है कि हीट वेव्स का क्या इम्पैक्ट है।
यानी हीट वेव्स ने क्या इम्पैक्ट छोड़ा है आपका, इसके बारे में हमें पता चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट इसके बारे में जान पाएगी इस इंडेक्स के माध्यम से, नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के माध्यम से। ये जो नई स्टडी आई है, ये जो नया इंडेक्स आया है, इसने हमें ये बताया है, इससे हमें ये पता चला है कि मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन, 90% से भी ज़्यादा की जो जनसंख्या है वो हीट वेव्स के रिस्क पर है इंडिया के अंदर। सो अराउंड 90% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो हीट वेव्स के रिस्क पर है इंडिया के अंदर, ऐसा कहा गया है इस रिपोर्ट के द्वारा। और हीट वेव्स आपके डेवलपमेंट को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली हैं। यहाँ से इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक जो कंसेप्ट है वो हो जाता है कि आखिर हीट वेव्स होती क्या हैं, व्हाट इज़ अ हीट वेव। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे एक बार, बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। हीट वेव एक ऐसा पीरियड है एबनॉर्मली अनकम्फर्टेबली हॉट एंड यूजुअली ह्यूमिड वेदर का, यानी एक पीरियड तक, एक समय तक जब एबनॉर्मली और अनकम्फर्टेबल गर्म और ह्यूमिड वेदर आपको कहीं पर देखने को मिलता है, देन दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज हीट वेव। अगर WMO की माने, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से हीट वेव हम तब मानते हैं जब डेली मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर मोर देन 5 कॉन्सिक्यूटिव डेज, यानी लगातार 5 दिनों तक डेली मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है 9 degrees Fahrenheit तक लगभग। यानी जितना एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है, सपोज एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर आपका मान लेते हैं 30 degrees है, उससे 9 degrees एक्सीड कर जाए, 9 degrees Fahrenheit अगर एक्सीड करता रहे लगातार कॉन्सिक्यूटिव 5 days तक, तो हम उस सिचुएशन को बोलते हैं, क्या बोलेंगे उस सिचुएशन को, हीट वेव की सिचुएशन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ये था WMO के हिसाब से, इंडिया में जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है कि कंसीडर्ड हीट वेव हम किसे कहते हैं, इफ़ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन, किसी भी स्टेशन, किसी भी प्लेस का अगर मैक्सिमम टेम्परेचर पहुँच जाता है एटलीस्ट 40 degrees Centigrade फॉर प्लेन्स में, प्लेन के इलाकों में, मैदानी इलाकों में कम से कम 40 degrees Centigrade पहुंच जाए टेम्परेचर, और 30 degrees Centigrade पहुंच जाए हिली रीजन्स में, तब ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे कि वहां पर हीट वेव आ रही है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि हीट वेव क्या है बेसिकली, और हीट वेव को हम कैसे पता लगाते हैं कि कहाँ पर हीट वेव है, इस समय कहाँ पर हीट वेव चल रही है। ठीक है, नाउ गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पब्लिश किया, और इसने हमें क्या बताया। ध्यान रखेंगे 90% ऑफ जो इंडियन पॉपुलेशन है वो इज एट द रिस्क ऑफ हीट वेव्स के रिस्क पर है, और अगर हम बात करते हैं हीट वेव की तो WMO के अनुसार हीट वेव बेसिकली क्या है, अगर एक 5 consecutive days तक किसी एरिया का जो टेम्परेचर एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है उससे एक्सीड करके 9 degrees Centigrade Fahrenheit 9 degrees Fahrenheit तक हो जाए तो हम कहेंगे वहाँ पर हीट वेव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च दी कोलिशन ऑफ कोस्टल सिटीज़ टू कॉम्बैट मरीन लिटर, यानी किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, नीति आयोग, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, यूनेस्को और यूनिसेफ, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक कोलिशन ऑफ कोस्टल सिटीज़ टू कॉम्बैट मरीन लिटर जो है ये लॉन्च किया गया है, यानी मरीन लिटर को, जो भी आपका समुद्र में जो भी आपका लिटर, यानी उसका मतलब होता है कि जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ छोड़ दिए जाते हैं समुद्र में, उसको ना छोड़ा जाए, उसको दूर किया जा सके, कॉम्बैट किया जा सके, इसके लिए कोस्टल सिटीज़ ने एक कोलिशन बनाया है, एक गठबंधन बनाया है, इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, बताएंगे फटाफट। हमें मालूम है कि जो मरीन पोल्यूशन है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम नाउ अ डेज, क्योंकि
जो प्लास्टिक है, हर तरीके का जो इंडस्ट्री वेस्ट है, वो मरीन में जाकर के आपका डंप किया जा रहा है, एंड इट इज़ गेटिंग यू नो पोल्यूट हो रही है. सो करेक्ट आंसर, यस एब्सोल्युटली, इट इज़ बी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE. एंड इसकी आपकी अगर हम फाउंडर या इस समय हेड की बात करें तो सुनीता नारायण, शी इज़ दी हेड एट प्रेजेंट फॉर दी CSE. एंड ये बेसिकली एक NGO है, इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपका बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. और इन्होंने क्या किया है, एक कोलिशन बनाया है कोस्टल सिटीज़ का, सो दैट मरीन लिटर को क्या किया जा सके, कॉम्बैट किया जा सके, रोका जा सके मरीन लिटर को उसमें जाने से, समुद्र में जाने से. कुछ ऐसी स्थिति होती है आजकल समुद्र की जो हम देख पाते हैं, कचरा ही कचरा हमें समुद्र के बीचेस पर, आसपास के एरियाज में दिखाई देता है. ठीक है, ठीक. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. क्वेश्चन नंबर 3 फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है. दोनों को आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट को बताएंगे. इंडिया हैज़ क्लाइम्ड 6 प्लेसेस इन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023. दिस इंडेक्स कम्स आउट एवरी 2 ईयर्स फ्रॉम 2010 टू 2018. पहला कह रहा है कि भारत ने हाल ही में जारी हुआ जो वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसमें 6 प्लेसेस ऊपर इंडिया खिसक गया है. दूसरा कह रहा है ये इंडेक्स एवरी 2 ईयर्स पर आता है 2010 से 2018 के बीच से अब तक, ये आपका हर 2 वर्ष पर दिया जाता है. आपको बताना है व्हाट इज़ दी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट बताना है, सही क्या होगा इसमें. चलिए बताइए जल्दी से. गुड इवनिंग नेहा, गुड इवनिंग, बताओ फटाफट से व्हाट इज़ दी करेक्ट आंसर. बताएं फटाफट करेक्ट क्या होगा, सही आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का. यस आइना कह रही है सी, नेहा कह रही है सी, प्रिया भी कह रही है सी, सृष्टि भी कह रही है सी. बिल्कुल सी इज़ दी एब्सोल्युटली राइट आंसर. दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं. तो एक बात तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, 6 प्लेस इंडिया ऊपर गया है, तो नाउ व्हाट इज़ दी रैंकिंग ऑफ इंडिया, इंडिया की रैंक क्या हो गई है, जल्दी से बताएं. लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक अब क्या है, 6 पायदान ऊपर खिसक गया है, बट व्हाट इज़ द प्रेजेंट रैंकिंग ऑफ इंडिया, अभी वर्तमान में भारत की रैंक क्या है ये बताइए. दूसरा ये भी बात ध्यान रखेंगे कि ये हर 2 साल में आता है. कोई और इंडेक्स बताइए जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है और आपको याद आता हो, एनी अनदर इंडेक्स जिसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है और आपको अगर याद हो तो बिल्कुल बताएं फटाफट से. चलिए, इंडिया हैड क्लाइम्ड 6 प्लेसेस इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023. नाउ रैंकिंग जो है इंडिया की वो 38th है 139 कंट्रीज में से, जबकि 2018 में ये थी 44, 2018 में 44 थी. अब भारत की जो रैंकिंग है इट इज़ 44 इन 2018, नाउ इट इज़ 38. अब 38 है, 6 प्लेसेस ऊपर खिसक गया है. 2018 में ये थी 44. लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा. ठीक है, अब इंडिया की रैंकिंग हो गई है 38th. आईना ध्यान देंगे, 38th हो गई है. एंड बिल्कुल सही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स है दैट इज़ ऑल्सो, या ये रिपोर्ट है वो भी पब्लिश की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा. लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आपका 2 साल में एक बार जारी किया जाता है, तो रिलीज होता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा. नाउ करता क्या है, ये एक बेंचमार्किंग है, बेंचमार्किंग टूल है जो ये कंट्रीज़ को ये बताने में हेल्प करता है कि कहाँ पे सप्लाई चेन जो है वो बेहतर है. लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि जो आपके यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, सप्लाई चेन है, वो कितनी अच्छी है,
सामान आया और कितनी तीव्रता से, कितनी क्विकली एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है, सेफली जा पाता है, दैट कम्स अंडर दी लॉजिस्टिक इंडेक्स. तो इसमें ये देखा जाता है लॉजिस्टिक इंडेक्स में. तो ईज़ ऑफ इस्टेब्लिशिंग रिलायबल सप्लाई चेन जो मिलती है वो देखी जाती है आपकी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर. नाउ अगर कुछ हाईलाइट्स देखें हम इस बार के इंडेक्स के, तो 139 कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व थी. सिंगापुर और फिनलैंड इसमें टॉप पर रहे हैं. और पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, वर्ल्ड बैंक ने क्या चीज़ और इंक्लूड की है इसमें, इट हैज़ मेजर्स द स्पीड ऑफ ट्रेड विद इंडिकेटर्स डिराइव्ड फ्रॉम बिग डेटा सेट्स ट्रैकिंग शिपमेंट. शिपमेंट्स को, शिप्स से जो आपके सामान जाते हैं, कार्गोज जाते हैं, शिपमेंट्स को ट्रैक करके इन्होंने इस बार ये भी पता लगाया है कि व्हाट इज़ दी स्पीड ऑफ ट्रेड, ट्रेड की कितनी स्पीड है, क्या गति है. ये इस बार ही इन्होंने क्या किया है, शामिल किया है वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर. एंड दैट इज़ दी इम्पॉर्टेंट. इंडिया की रैंक आपको बता दी, दो मेजर फैक्टर हैं इंडिया के जिसने उसको ये अच्छा खासा जंप दिया है. एक तो हमारे यहाँ बनी नेशनल पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पॉलिसी जो हमारे यहाँ पर आई, कौन से ईयर के बजट में आई ये बता दीजिए आप. और एक हमने देखा स्कीम आई सरकार के द्वारा, पीएम गति शक्ति, आप लोगों ने सुनी होगी, पीएम गति शक्ति स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है. एंड उसका पर्पस ही ये है कि किस तरीके से जो लॉजिस्टिक फैसिलिटी है उसको बेटर किया जा सके. तो ये माना जा रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट का या इंडिया की ये जो परफॉर्मेंस 6 स्टेप्स आगे गई है, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू जम्प्स की वजह से. एक तो हमने मॉडर्नाइजेशन किया है और दूसरा डिजिटलाइजेशन किया है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एक पॉलिसी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पॉलिसी जो हम लेकर के आए, और दूसरा उसी के अंतर्गत आने वाली पीएम गति शक्ति योजना है. ठीक है, ध्यान रखिएगा, 6 इंडिकेटर्स हैं बेसिकली जिनके बेसिस पर स्कोर जो है वो किसी भी कंट्री का तैयार किया जाता है. या आप ध्यान देंगे जैसे कंसाइनमेंट को ट्रैक करने का, ईज़ ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट, कितनी जल्दी अरेंज हो जाता है, जितनी जल्दी अरेंज हो जाएगा, जैसे सामान जा कर के पहुँचा, दूसरा उसको वाहन कितनी जल्दी मिल जाता है, उसे वेट तो नहीं करना पड़ता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी कैसी है, कहीं सामान ख़राब तो नहीं हो जाएगा. देन उसके बाद कस्टम्स की परफॉर्मेंस कैसी है ये भी हमें देखना. देन लॉजिस्टिक सर्विसेज की क्वालिटी कैसी है, ऐसा तो नहीं टूटी फूटी बसेज हैं उन्हीं में ही सारा सामान जाया जा रहा है. देन ट्रेसिंग एंड टाइमलाइंस ऑफ शिपमेंट्स एज वेल एज प्रैक्टिकल डेटा मेजरिंग लॉजिस्टिक एफिशिएंसी. ट्रेस करना, टाइमलाइंस का पता लगाना कि 2 घंटे में पहुंचना चाहिए था पर पहुंचा है 3 घंटे में, ये सारी चीज़ें इंडिकेटर्स हैं आपकी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की. ठीक है, क्लियर है. यस, 2021-22 के बजट में बिल्कुल था आपका ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पॉलिसी. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 को आंसर करेंगे जल्दी से. एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स. रिसेंटली न्यूज़ में था, मैं न्यूज़ बता देती हूँ आपको कि क्या था. वेस्ट बंगाल ने हाल ही में 4 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जो हैं वो आपकी उसने आइडेंटिफाई की हैं. ठीक है, उनको उसने आइडेंटिफाई करके बताया है कि ये भी हमारे यहाँ पर आज से बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होंगी, ये न्यूज़ है. अब उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, आपको करेक्ट वाला फाइंड आउट करना है. बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. चलिए आराम से पढ़ें दोनों स्टेटमेंट, फिर आंसर करेंगे क्वेश्चन का. चलिए पहला स्टेटमेंट है, अंडर सेक्शन 37 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 द स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान देंगे वर्ड्स पर, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ लोकल बॉडीज मे नोटिफाई एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंस एज बीएचएस, यानी बायोडाइवर्सिटी
एक्ट जो है 2002 उसका सेक्शन 37 ये कहता है कि राज्य सरकारें लोकल सरकार या लोकल बॉडीज से बात करके किसी एरिया को बायोडायवर्सिटी इम्पोर्टेंस अगर है तो उसे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर सकती हैं। दूसरा कह रहा है भारत की पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट नल्लूर टेमरिंड ग्रूव है जो कि केरल में स्थित है। नल्लूर टेमरिंड ग्रूव है जो कि केरल में स्थित है। आपको करेक्ट बताना है। चलिए नेहा कह रही है ए, आयना कह रही है ए, बाकी के लोग फटाफट से आंसर करेंगे कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। यस बिल्कुल सही है, द करेक्ट आंसर इज ए। सेकेंड वाला स्टेटमेंट इज लिटिल रॉन्ग बिकॉज वो आपकी केरल में नहीं है। कहाँ पर है भाई नेहा और आयना बताइए। नाउ रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या था, मैंने आपको हाल ही में बताया वेस्ट बंगाल ने 4 बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जो हैं वो उसने आइडेंटिफाई कर ली हैं, नोटिफाई कर ली हैं। अब स्टेट में यानी वेस्ट बंगाल में 8 जो हैं वो आपकी टोटल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जो हैं वो हो गई हैं। 4 नई साइट्स के नाम कभी पूछे जा सकते हैं बिकॉज दे आर इन न्यूज़। तो पहली है चार बाली दंगा एंड दी स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन। दूसरी है स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन जिसका कैंपस देपारा में है। तो देपारा में जो स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन है वो है दूसरी। दोनों ही आपकी कहाँ पड़ेंगी, नादिया में, दोनों ही नादिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ेंगी। नेक्स्ट आपकी थर्ड है नामथिंग पोखर जो कि दार्जिलिंग में स्थित है। और चौथी है आपकी एमखोई फॉसिल पार्क जो कि आपका बीरभूम में स्थित है। तो 4 हो गई इस तरीके से, नाम इम्पॉर्टेंट हैं ध्यान रखेंगे, इनको नोट कर लेंगे आप कौन सी 4 साइट्स हैं। तो पहली है एमखोई फॉसिल पार्क दैट इज़ इन बीरभूमि, देन आपका है नामथिंग या नामथिंग पोखर दार्जिलिंग में, इसके अलावा स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन देपारा वाला कैंपस और 4 बाली दंगा नादिया के अंदर। ये हैं आपकी इम्पॉर्टेंट साइट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं आगे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी इम्पॉर्टेंट यूनिक इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इकोसिस्टम, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, चाहे वो कोस्टल इकोसिस्टम हो, चाहे वो मरीन इकोसिस्टम हो, कोई सा भी इकोसिस्टम जो हमें क्या लगता है यूनिक है और जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है उसे हम घोषित कर सकते हैं बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, अगर वो कुछ कंपोनेंट में से एक भी कंपोनेंट या एक से भी अधिक कंपोनेंट को फुलफिल करता हो, यानी किसी भी यूनिक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज एरिया घोषित किया जा सकता है यदि वो कुछ कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट, जैसे द रिचनेस ऑफ वाइल्ड एज वेल एज डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज और इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज, यानी वाइल्ड की वहाँ पर रिचनेस होनी चाहिए, डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज की रिचनेस होनी चाहिए तब हम उस एरिया को, और वो एरिया फ्रेजाइल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए तब उसे हम बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें एंडेमिज्म बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एंडेमिज्म का मतलब है हाईएस्ट एंडेमिक स्पीशीज़ वहाँ पर मिलनी चाहिए, एंडेमिक स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए जो वहीं मिलती हो कहीं और ना मिलती हो। प्रेजेंस ऑफ रेयर एंड दी थ्रेटन्ड स्पीशीज़ और रेयर स्पीशीज़ वहाँ पर मिलनी चाहिए। की स्टोन स्पीशीज़ वहाँ की कोई होनी चाहिए। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस अगर किसी स्पीशीज़ का है और वहाँ मिल रहा है तो आप उस एरिया को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा उसका कल्चरल इथिकल एस्थेटिक वैल्यू होना चाहिए तब उस एरिया को आप बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर सकते हैं। और बिल्कुल सही कहा है ज्योति आयना, सभी ने ठीक कहा है। नल्लूर टेमरिंड ग्रूव जो है इट इज़ इन कर्नाटका बेंगलुरु जो कि भारत की पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है।
ठीक है। और थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट 4 अभी रिकॉग्नाइज की गई हैं बंगाल के द्वारा, किस एक्ट के अंतर्गत आती है, पहली कहाँ पर की गई थी, ये सारी बातें, कौन करता है, कैसे करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सिंपल क्वेश्चन है, कैरीकॉम, इट वॉज इन न्यूज़ द हिंदू में आपने सिंपल एक आर्टिकल देखा होगा एस जयशंकर के साथ में, कैरीकॉम की जो है वो मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो चल रही है, देखा होगा इस तरीके का फोटो आपने, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर करेंगे फटाफट। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 15 मेंबर स्टेट थ्रू आउट द अमेरिकाज एंड द आर्कटिक ओशन। यानी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 15 मेंबर स्टेट्स की थ्रू आउट द अमेरिका, पूरे अमेरिका में और आर्कटिक ओशन में। नाउ नेक्स्ट है द चेयरमैनशिप ऑफ द कम्युनिटी, यानी कैरीकॉम जो कम्युनिटी है इसकी चेयरमैनशिप रोटेट होती रहती है हर 6 महीने में मेंबर स्टेट्स के या मेंबर कंट्रीज के बीच में। आपको बताना है व्हाट इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत क्या है, गलत स्टेटमेंट जो है आपको बताना है इसमें। चलिए फटाफट से बताएं क्या है इसका गलत स्टेटमेंट। आंसर करें फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 का। कैरीकॉम आपने अभी हाल ही में न्यूज़ में था देखा होगा, बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एक है आपका कैरीकॉम। नो आइडिया, करिए भाई आंसर करिए जल्दी से। चलिए मैं ही बता देती हूँ, द करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर है इसका ए। इनकरेक्ट पूछा गया है, पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पे आर्कटिक ओशन की बजाय अटलांटिक ओशन होता तो ये सही हो जाता। यानी कैरीकॉम जो है वो आपका एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 15 मेंबर स्टेट का, पूरे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से लेकर के सेंट्रल अमेरिका, थ्रू आउट द अमेरिकाज एंड द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन तक है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, प्रिया का बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। और चेयरमैनशिप इसकी कम्युनिटी की हर 6 महीने पर मेंबर कंट्रीज के बीच में रोटेट होती रहती है। ध्यान रखेंगे जनरली जो मेंबरशिप होती है वो 1 ईयर के लिए होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, बट इसकी 6 मंथ्स के लिए होती है, इसकी 6 महीने के लिए होती है, वैसे सभी ऑर्गेनाइजेशन की 6 मंथ्स के लिए ना हो करके 1 ईयर के लिए होती है, इसकी 6 महीने के लिए होती है। नाउ न्यूज़ में इसलिए था, बिल्कुल सही बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि हाल ही में एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं उन्होंने को चेयर किया 4th इंडिया कैरीकॉम मिनिस्ट्रियल मीटिंग को, किसके साथ में, जमैका के काउंटर पार्ट के साथ में, यानी जमैकन जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके साथ में इंडिया कैरीकॉम मिनिस्ट्रियल मीटिंग को उन्होंने को चेयर किया, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, ठीक है। नाउ बात करें अगर हम कैरीकॉम की, तो कैरीकॉम बेसिकली आप देखिए अगर जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो फुल मेंबर स्टेट्स, ज़्यादातर जो कैरिबियन सी के आसपास का आपका इलाका है वहाँ के जो छोटे छोटे आपके आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो मेंबर्स हैं आपके कैरिबियन कैरीकॉम के। इसके अलावा 5 एसोसिएट मेंबर भी हैं इसके और 10 इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं। अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की इसकी बात करते हैं तो इंग्लिश, फ्रेंच, डच और स्पेनिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कैरीकॉम का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो 1973 में इसे एस्टैब्लिश किया गया एंड इट इज़ कैरिबियन कम्युनिटी
एंड कॉमन मार्केट, दिस इज कैरीकॉम. तो कैरीकॉम इज कैरिबियन कम्युनिटी एंड कैरीकॉम इज कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट. कहाँ पर लोकेटेड हैं इसके ज़्यादातर कंट्रीज? आपके ज़्यादातर लोकेटेड हैं कैरिबियन सी का जो इलाका है, और कैरिबियन सी इज़ दी पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन का पार्ट है. ठीक है, तो कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है. 1973 में बनाया गया. अटलांटिक ओशन और थ्रू आउट अमेरिका में इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो फैले हुए हैं, और ये एक ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंटीग्रेशन है या इंटीग्रेशन मूवमेंट है डेवलपिंग वर्ल्ड्स का. सबसे पुराना माना जाता है 1973 में, क्योंकि ये निकल करके आपका आ गया. ऑब्जेक्टिव तो वही है कि कैसे इन देशों को आगे बढ़ाया जा सके. ठीक, यही आपके ऑब्जेक्टिव हैं. कंट्रीज़ की अगर बात करें तो मैप में मार्क कर लेंगे इन कंट्रीज़ को. छोटी छोटी आपकी कंट्रीज़ हैं, जैसे गुआना, हैती, जमैका, देन एंटीगुआ, बारबुडा, बहामास, बारबिडोस, बेलिज, डोमिनिका, ग्रेनाडा, नेविस, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, वहीं पे पड़ेगा सेंट विंसेंट. आप अगर देखेंगे एंटीनलीज, लिटिल एंटीनलीज और आपकी मतलब लिटिल एंटीनलीज के आसपास की जो कंट्रीज़, वहीं पर ही आपको ये सारी कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी. चेयरमैनशिप हर 6 महीने में इसकी रोटेट होती रहती है. भारत ने बहुत मदद की है कैरीकॉम कंट्रीज़ की, कैरीकॉम ग्रुपिंग की. एक बार पढ़ लेंगे इसको तो आपको थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा. और मेंबर स्टेट्स ने कब कब ज्वाइन किया ये भी इसमें मैंने आपको मेंशन कर दिया, एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा मेंबर्स के बारे में. ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज़ रिलेटेड टू यूनिकॉर्न्स. बहुत न्यूज़ में रहते हैं यूनिकॉर्न्स, हाल ही में भी न्यूज़ में थे. क्या होते हैं, क्या करते हैं, क्या इनका मतलब होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो जाएंगे. बट उसके लिए पहले आप आंसर दें इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को आंसर करेंगे फटाफट. Recently, the Global Unicorn Index is taken out by Huron, HURUN, Huron के द्वारा हाल ही में Global Unicorn Index जो है वो जारी किया गया. Unicorns startups होते हैं founded after the year 2000, जिन्हें 2000 के बाद में बनाया गया और जिनका valuation है $1 billion US dollar के आसपास. आपको बताना है करेक्ट क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. ओके, नेहा ने कहा है सी, बाकी लोग जल्दी आंसर करें. आयना भी कह रही है सी, एंड अदर पर्सन्स फटाफट आंसर करेंगे, बाकी के स्टूडेंट जल्दी से. यस, सी इज़ डेफिनेटली द राइट आंसर. सी बिल्कुल सही आंसर है आपका, सी बिल्कुल सही जवाब है. तो सी पे टिक करेंगे, सी. दोनों स्टेटमेंट आपके एकदम ठीक हैं. यूनिकॉर्न बेसिकली क्या है? स्टार्टअप्स को हमने क्लासिफिकेशन दिया है. तो स्टार्टअप्स में ऐसे स्टार्टअप्स जो 2000 के बाद बनाए गए हैं और जिनका वैल्यूएशन $1 billion के आसपास है, विथ अ $1 billion है, उसे हम बोलते हैं यूनिकॉर्न. तो सी इज़ दी एब्सोल्युटली राइट आंसर. ह्यूरन के द्वारा हाल ही में ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है. इंडिया हैज़ बीन अनाउंस्ड टू हैव दी थर्ड हाईएस्ट नंबर यूनिकॉर्न. भारत में थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न जो हैं वो हमें देखने को मिली हैं, एंड गेजल्स भी, एज़ पर दी ह्यूरन्स ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023. तो इंडिया में इस इंडेक्स के हिसाब से थर्ड हाईएस्ट यूनिकॉर्न का नंबर मिला है और थर्ड हाईएस्ट गेजल्स का नंबर भी मिला है. नाउ व्हाट आर दीज गेजल्स एंड यूनिकॉर्न, अगर इनके बारे में हम बात करेंगे तो यूनिकॉर्न तो हमने देख लिया कि क्या होता है. इसके अलावा 10 साल पुराना हो, इसीलिए हमने 2000 के बाद बनने वाले को कहा है कि 10 साल आपका पुराना होना चाहिए. एक सुपर यूनिकॉर्न भी होता है, ऐसा स्टार्टअप जिसकी उम्र 10 साल से या जो 10 साल से कम पुराना हो और जिसकी वैल्यू अब $100 billion US dollar plus हो,
100 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा अगर उसकी वैल्यू है तो हम उसे कहेंगे सुपर यूनिकॉर्न, उसे हम कहेंगे सुपर यूनिकॉर्न। ठीक है, तो यूनिकॉर्न जो टर्म है वो किसने दिया अगर ऐसा पूछ लिया जाए कभी, तो इट इज़ एलन ली, इनके द्वारा दिया गया। तो यूनिकॉर्न कॉइन किया गया आपका, सॉरी, कॉय बॉय वेंचर्स और इसके फाउंडर थे एलन ली। तो एलन ली के द्वारा ये टर्म दिया गया यूनिकॉर्न आपका। अगर एक और हम देखें कि गेजल्स क्या होते हैं, फिर गेजल्स क्या होते हैं, तो गेजल्स आपके होते हैं बेसिकली वो स्टार्टअप्स। यूनिकॉर्न समझ में आया होगा, सुपर यूनिकॉर्न समझ में आया होगा। नाउ व्हाट आर गेजल्स? गेजल्स आर स्टार्टअप्स दैट आर मोस्ट लाइकली टू गो यूनिकॉर्न इन द नेक्स्ट 2 ईयर, जो अगले 2 साल में यूनिकॉर्न की श्रेणी में आ जाएंगे, उन्हें हम कहते हैं गेजल्स। और चीता किन्हें कहते हैं? चीता वो स्टार्टअप्स हैं जो अगले 4 साल में यूनिकॉर्न की श्रेणी में आ जाएंगे, उन्हें हम कहेंगे चीता। तो ध्यान रखेंगे, यूनिकॉर्न, सुपर यूनिकॉर्न, चीता, गेजल्स और आपका यूनिकॉर्न इंडेक्स, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। इंडिया 3rd हाईएस्ट उस पर पहुंचने वाला है यूनिकॉर्न और गेजल्स के मामले में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बाकी इससे रिलेटेड अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिकॉर्न की इंडिया के अंदर बात करें तो स्विगी, फैंटेसी गेमिंग कंपनी, बायजूस, एडटेक फॉर्म में आपका बायजूस, ये सब आपके इम्पॉर्टेंट यूनिकॉर्न्स हैं जो इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। इंडिया कंटिन्यूज टू बी द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न। यूएस पहला है, चाइना है और 3rd है इंडिया। तो यूनिकॉर्न की रैंकिंग में इंडिया 3rd पर है, पहला यूएस है, 2nd है चाइना, 3rd है इंडिया। यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं, गेजल्स क्या होते हैं, सुपर यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, चीता क्या होते हैं ये भी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज इन न्यूज, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चर्चाओं में रही, ये कौन से राज्य में लोकेटेड है? दैट इज़ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। कहाँ पर लोकेटेड है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? चलिए बताएं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। यस, आयना कह रही हैं बी, प्रिया कह रही हैं बी, नेहा भी कह रही हैं बी। यस, बी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। मध्य प्रदेश में पड़ेगी आपकी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड इट वॉज इन न्यूज़ बिकॉज ऐसा बोला जा रहा है कि जो चीते हम लोग लेकर के आए हैं, अफ्रीका से जो चीते लाए हैं, अभी हमने कूनो जो सेंचुरी है बालपुर, कूनो पालपुर जो सेंचुरी है वहाँ पर रखे हुए हैं। अब हम एक सेकेंड हैबिटेट बनाएंगे उनके लिए, सेकेंड डेवलप्ड करेंगे हैबिटेट उनके लिए, एंड दैट विल बी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कमिंग टाइम्स में ये उनके लिए सेकेंड होम की तरह आपका एस्टैब्लिश किया जाएगा, एंड इट इज़ इन मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें देखेंगे इसकी, तो मध्य प्रदेश में, नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में है ये, और ये वन ऑफ इट्स बॉर्डर जो है, बाउंड्री जो है, वो राजस्थान के बॉर्डर से ही निकलती है, लगती है। नोटिफाई किया गया था 1974 में। वास्ट एक्सपेंस लाइज विद इन दी मंदसौर। अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे तो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, नीमच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से घिरे हुए हैं या उसी में ही आपके लाई करते हैं। रिवर चंबल यहीं से गुजरती है और ये सेंचुरी को 2 में डिवाइड करती है। फ्लोरा की बात करेंगे तो इम्पॉर्टेंट फ्लोरा है यहाँ का खेर, सलाई, धौधा, तेंदू के पत्ते, पलाश के पत्ते या पलाश के फूल, ये सब आपको मिलते हैं यहाँ पर फौना के, फ्लोरा के रूप में। नाउ फौना की अगर हम बात करेंगे, फौना की अगर हम बात करेंगे
यस, रीलोकेट करेंगे या सेकेंड होम भी बनाएंगे, क्योंकि देखिए अगर वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, कूनो पालपुर में जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं ले जा कर के उन्हें भेजना पड़ेगा, किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ना फौना की अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो हमें चिंकारा, नील गाय, स्पॉटेड डियर, देन उसके साथ साथ स्ट्रिप्ड हाइना, जैकाल, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी डेजिग्नेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें बर्ड की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। ठीक, नाउ नेक्स्ट जो मैप आपको मैं दिखाने जा रही हूँ ये है मध्य प्रदेश की इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का मैप। आराम से देखेंगे, जैसे बहुत आगे इसको आप रिवाइज करने के लिए अपने पास ज़रूर रखिएगा। ये है आपकी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, येलो कलर में जो भी है ये सारी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। जो ग्रीन कलर में है दीज आर टाइगर रिजर्व, एंड जो पिंक से कलर में दिख रहे हैं ये हैं आपके नेशनल पार्क। तो पहले यहाँ पर अभी है, यहाँ पर कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर हैं आपके चीता, उन्हें नेक्स्ट होम दिया जाएगा गांधी सागर के अंदर। ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो ये है नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एकदम नॉर्थ ऑफ दी मध्य प्रदेश में है। देन ये है घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माधव नेशनल पार्क, ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पन्ना टाइगर रिजर्व, देन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, सोन गलियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है आपकी। नेक्स्ट उसके बाद अगर देखेंगे सिंगोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैन नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन बिहार नेशनल पार्क यहाँ पर हमें मिलता है। इसके बाद एक और है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखेंगे, उससे आगे का मैप जो है वो यहाँ पर है। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पूछ चुकी हूँ पहले आप लोगों से नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप इन्हें थोड़ा सा मैप को एक दो बार देखते रहेंगे तो आपको लोकेशंस थोड़ी याद हो जाएंगी। और मध्य प्रदेश क्योंकि बहुत रिच है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के और आपके टाइगर रिजर्व को लेकर के, तो इनकी लोकेशंस आपको थोड़ी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, इस मैप को आप बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट जो लोकेशंस हैं वो लगा लीजिएगा टाइगर रिजर्व की, कि एमपी के अंदर जो टाइगर रिजर्व हैं उनको हम अगर नॉर्थ टू साउथ लगाते हैं तो क्या हमारी क्रोनोलॉजी है जो बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अमंग दी फॉलोइंग विच आर दी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन ऑफ इंडिया, भारत के कौन से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है इन तीनों में से, चौथा तो डी दिया हुआ है। पहला है ऑपरेशन रक्षक, दूसरा है ऑपरेशन सर्प विनाश, तीसरा है ऑपरेशन ऑल आउट, या फिर डी, चारों तीनों के तीनों हैं आपके। फटाफट से बताएं, काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार के द्वारा या इंडियन आर्मी के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कौन कौन से हैं। नेहा ने बहुत जल्दी से आंसर दिया है और कह रही हैं डी। यस, डी बिल्कुल सही है भाई, एब्सोल्युटली राइट है। ये तीनों के तीनों आपके ऑपरेशन रक्षक, सर्प विनाश और ऑपरेशन ऑल आउट, ये आपके काउंटर टेररिज्म को लेकर हैं। इस समय एक ऑपरेशन और बहुत ज़्यादा आपका न्यूज़ में है, ध्यान रखेंगे उसका नाम भी, ऑपरेशन कावेरी। सुना होगा इसके बारे में, किससे रिलेटेड है ऑपरेशन कावेरी, व्हाट इज़ ऑपरेशन कावेरी। इंडियन जो आर्मी है कई सारे ऑपरेशन आपके चलाती रहती है, उन्हें एक नया नया अच्छा अच्छा नाम देती रहती है। तो ऑपरेशन कावेरी इज़ ऑल्सो इन न्यूज़, किससे रिलेटेड है बताओ ज़रा चैट बॉक्स में। नाउ अगर हम बात करें तो हाल ही में अभी क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा कि पुंछ में ट्रक पर, आर्मी के ट्रक पर अटैक किया गया और कुछ सोल्जर्स जो हैं उनकी डेथ हो गई। तो इसी के लिए हमारे यहाँ पर कई सारे काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशन है वो सरकार या इंडियन आर्मी के द्वारा चलाए गए हैं, जैसे ऑपरेशन रक्षक। ऑपरेशन रक्षक कब आपका 1990 में टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जम्मू कश्मीर में चलाया गया, इंसर्जेंसी और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। देन सर्प विनाश, ये इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया 2003 में,
उन एरियाज को फ्लश आउट करने के लिए, उन टेररिस्ट एरियाज को फ्लश आउट करने के लिए जो पीर पंजाल रेंज के इलाके में पड़ते थे जम्मू कश्मीर के अंदर. तो इट इज़ ऑपरेशन सर्प विनाश. नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन ऑल आउट, जॉइंट ऑफेंसिव लॉन्च्ड बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस. सारी जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेज उन सब के द्वारा मिलकर के चलाया गया, और मिलिटेंट को, जो भी उग्रवादी हैं और जो टेररिस्ट हैं, उनको ख़त्म करने के लिए 2017 में कश्मीर में से ये चला आपका ऑपरेशन ऑल आउट, सबको बाहर कर देना. यस, बिल्कुल सही है आपका प्रिया एंड नेहा एंड आइना. सूडान से इंडियन सिटीजन को रेस्क्यू करके वापस लेकर के आ रहे हैं. इसी से रिलेटेड एक और बताएं, ऑपरेशन गंगा. हमारे यहाँ ऑपरेशन गंगा भी एक चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा. ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन मैत्री, ये सब आपको मेनली जो आपके न्यूज़ में रहते हैं पता होना चाहिए. सूडान से जो रेस्क्यू करके ला रहे हैं इंडियन सिटीजन्स को, इट इज़ ऑपरेशन कावेरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें. उड़ान स्कीम हाल ही में न्यूज़ में थी. उड़ान स्कीम दैट इज़ उड़े देश का आम नागरिक. जल्दी से आंसर करेंगे इसके क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को. उड़े देश का आम नागरिक, यस. यूक्रेन से जो हम निकाल करके लेकर के आए थे, बिल्कुल बिल्कुल सही है. यूक्रेन से जो हम निकाल के लाए थे, एकदम सही आयना और नेहा. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. उड़ान स्कीम, द स्कीम इज़ एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर. 10 साल के लिए यह स्कीम है आपकी. फेज़ 1 इस स्कीम का 2017 में शुरू हुआ था, और ऑब्जेक्टिव ये था कि कनेक्ट करना है अनडिजर्व जो आपके और अनसर्व जो एयरपोर्ट हैं कंट्री के उनको, यानी अंडर सर्व और अनसर्व, यानी जहाँ पर ऐसे एयरपोर्ट हैं जो सर्व नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं पहुँच रही है पर एयरपोर्ट बना हुआ है, और अंडर सर्व जो हैं उन तक कनेक्टिविटी बनाने की बात कही गई थी. क्या ऐसा था? आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है. बड़ी अच्छी स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान स्कीम. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें भाई फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 9, यस, सी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर. बिल्कुल सही है, सी एकदम सही है, सी बिल्कुल सही है. यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ठीक हैं. 2017 में आई है स्कीम, और इसका फेज़ 1 आपका ये कहता है कि जो अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स थे उन तक हमें कनेक्टिविटी को पहुंचाना था. ये था आपका उड़ान स्कीम का पहला फेज़. हाल ही में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 5th राउंड इस स्कीम का, और इसमें रीजनल कनेक्टिविटी को भी आपकी इंश्योर करने की बात कही गई है. तो 5वां राउंड जो है वो शुरू किया गया है, गिविंग विंग्स टू एवरी इंडियन, यानी हर इंडियन जो है, हर भारतीय जो है वो उड़ सके, सबकी पहुंच तक जो आपका प्लेन है या प्लेन का सफ़र है वो दिया जा सके, हर व्यक्ति इसको कर सके, ऐसा एम के साथ में या इस एम के साथ में स्टार्ट की गई आपकी उड़ान स्कीम. ध्यान रखिएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा. स्कीम लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा रीजनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए और रीजनल कनेक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए. ये नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 का पार्ट है. एप्लीकेबल है 10 साल के समय के लिए, एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. तो 2017 में शुरू की गई थी, तो 2027 में ख़त्म होगी. क्या करेंगे? मेनली वही जो आपके कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी बेटर दी जा सके, उससे रिलेटेड है आपकी उड़ान स्कीम. ठीक, ध्यान रखिएगा. प्रीवियस फेजेस, फेज़ 1, फेज़ 2, 4 फेजेस अब तक निकल चुके हैं. हर फेज़ में कुछ अलग अलग इन्होंने एम रखा और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है. ठीक है, ध्यान रखेंगे. इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, एक टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वायबिलिटी गैप फंडिंग. ये क्या होता है? अ गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइडेड टू द एयरलाइंस टू ब्रिज द गैप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सपेक्टेड रिवेन्यू. यानी एक्सपेक्टेड रिवेन्यू, अगर एयरलाइंस ने ये सोचा, एयरपोर्ट वालों ने सोचा कि हमें रिवेन्यू इतना मिलेगा, लेकिन रिवेन्यू उतना नहीं मिला, उनका खर्चा ज़्यादा हो गया, तो सरकार क्या करेगी?
सरकार इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी, पैसा देगी उनको, जिससे कि वो लोग ये वेंचर जो है वो बंद ना कर दें, इसको कंटिन्यू रखें और एयरलाइंस की जो फैसिलिटी है वो हर व्यक्ति तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, ये है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उड़ान स्कीम स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए है प्रिया, ये सब के लिए है, सभी के लिए है, पूरे इंडिया के लिए है, नॉट स्पेशली फॉर दी नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स के लिए। इसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो हमारे ये जो 5 वाला हम लेकर के आए हैं, ये फोकस कर रहा है इस बात पर, कैटेगरी 2 पर 20 से 80 सीट्स के जो होते हैं या मोर देन आपके 80 सीट्स वाले जो होते हैं, उन एयरक्राफ्ट को हम यहाँ पर फोकस करते हुए चल रहे हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है डिस्टेंस बिटवीन दी ओरिजन एंड दी डेस्टिनेशन ऑफ दी फ्लाइट, यानी कोई आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है, डिस्टेंस क्या है, आपका फ्लाइट जहाँ से चल रही है और जहाँ तक पहुँच रही है उसका कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं रखा गया है। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं काजल, कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बाकी इम्पोर्टेंट जो बातें हैं इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। कैब भी लगाई गई है इसके अंतर्गत, कुछ कैब आपके हैं 500 किलोमीटर्स तक, प्रायोरिटी एरियाज, नॉन प्रायोरिटी एरियाज, ये भी डिफाइन किए गए हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सी प्लस सी फाइव के बारे में आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। पहला कह रहा है, द फर्स्ट सी प्लस सी फाइव समिट हेल्ड इन जनवरी 2022। एक्चुअली में सी प्लस सी फाइव एक ऑर्गेनाइजेशन है, पहली समिट इसकी जनवरी 2022 में मार्क की गई या जनवरी 2022 में हुई, जब 30th एनिवर्सरी थी डिप्लोमेटिक रिलेशंस की चाइना और सेंट्रल एशियन नेशंस की। नेक्स्ट नंबर 2, ऑल दी कंट्रीज विच आर मेंबर्स ऑफ सी प्लस सी फाइव आर ऑल्सो दी मेंबर्स ऑफ SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो बताओ फटाफट से, पहला सी प्लस सी फाइव समिट जो है 2022 जनवरी में हुआ और 30th एनिवर्सरी डिप्लोमेटिक रिलेशंस की थी जब चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज की, तब पहली समिट सी प्लस सी फाइव की हुई, एक तो ये बात। दूसरी बात आपकी है कि जितने भी मेंबर नेशंस सी प्लस सी फाइव के मेंबर्स हैं वो SCO के भी मेंबर हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हैं, आपको बताना है सही क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अच्छा, मनीष कह रहे हैं कि सी होगा 10 का, बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर करें फटाफट से, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नेहा कह रही है सी, बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल द कंट्रीज विच आर मेंबर ऑफ सी प्लस सी फाइव आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ SCO। काजल भी कह रही है सी, प्रिया भी कह रही है सी, भाई गलत है सबका, द करेक्ट आंसर इज ए। आप मुझे ये बताइए सी प्लस सी फाइव में कौन कौन मेंबर हैं, क्या सेंट्रल एशियन कंट्रीज नेशंस जो हैं उनके सभी, सेंट्रल एशियन में 5 कंट्रीज़ हैं। ठीक है नेहा, आईना आपका बिल्कुल सही है, ए इज़ दी एब्सोल्युटली राइट आंसर। थोड़ा सा आपको प्रीवियस जो नॉलेज है उसको यूज़ करना था भाई यहाँ पर। SCO में क्या 5ों सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ आपकी मेंबर हैं, सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज़ हैं, क्या 5ों की 5ों SCO की मेंबर हैं? नहीं नहीं है, एक कंट्री उसमें से छूटी हुई है। अभी आप लोग ही बताएंगे कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो SCO की मेंबर नहीं है। SCO तो हम नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर गलत कैसे कर रहे हो आप लोग। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट यही है कि हाल ही में चाइना ने कंडक्ट की है एक मीटिंग ट्रेड मिनिस्टर्स की ग्रुपिंग जिसका नाम है सी प्लस सी फाइव, इसमें चाइना के साथ साथ 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं जिसमें हैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड किर्गिस्तान। अब इसमें से एक कंट्री ऐसी है जो SCO की मेंबर नहीं है, तो
तो फिर नेहा गलत कैसे कर दिया? तुर्कमेनिस्तान इज़ नॉट द मेंबर ऑफ एस सी ओ. और मैंने क्या पूछा था, ऑल दी मेंबर कंट्रीज जो एस सी ओ की मेंबर हैं वो सी प्लस सी फाइव की भी मेंबर हैं? नहीं नहीं है. तो सी आंसर कैसे बैठ जाएगा? द आंसर विल बी ए. ठीक है, ये हैं आपकी एस सी ओ सेंट्रल एशिया की कंट्रीज, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और चाइना, इनके साथ में मिलकर के बनाता है सी फाइव प्लस सी प्लस सी फाइव. ठीक है, हेल्ड हुई 2022 में. बाकी बातें इसके बारे में मैंने आपको बता दी हैं. एस सी ओ जो है आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एट मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके अंदर. जैसे आपकी हम देखें तो कौन कौन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, देन उसके बाद में आपका है ताजिकिस्तान है बट तुर्कमेनिस्तान नहीं है, इंडिया है एंड पाकिस्तान है एंड चाइना है. अभी ईरान को ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिखा रहे हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया है. ईरान हो चुका है शामिल बट ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए जब तक मैप में ऑफिशियल वेबसाइट पर ईरान को नहीं दिखा देंगे तब तक हम उसे यहाँ पर नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए इस मैप में आपको ईरान नहीं दिखाई दे रहा होगा. ठीक, चलो तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है. यहीं पर आपका आज का करंट अफेयर क्विज शो कंप्लीट होता है. एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पीडीएफ में शेयर कर दूंगी. करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करते रहिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा जो इससे मिलेगा और बहुत सारा नॉलेज भी आपको यहाँ पे मिलेगा उससे. ठीक, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच.